हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, क्लोज टेस्ट की ये सीरीज चल रही है आप लोगों की। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस वीडियो 21 की, जहां हम लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको 100 क्लोज टेस्ट सीरीज कराएंगे हम लोग, और ये चल रही है आपकी MB बुक से। आज की जो वीडियो है ये है MB बुक के 2019 के सेट के सेट नंबर 17 से। सेट नंबर 17 आपका ये है जो MB बुक में है। सीजिल का प्री टेस्ट है, उसमें आया हुआ एक क्लोज टेस्ट है, यानी कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सीजिल लेवल पर इतना इजी क्लोज टेस्ट आ सकता है तो स्टोनर लेवल पर क्यों नहीं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट एग्ज़ाम पर आधारित है बच्चों, जो आपका TCS ने कंडक्ट कराया था उस पर ही आधारित है पूरा का पूरा। तो ज़रा देखिएगा कि लेवल क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का, इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें कितने परसेंट तैयार रहना है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी कहानी को, क्लोज टेस्ट पर चलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो भैया दबा लीजिए, इतना अलकस मत कीजिएगा, ये आप ही का नुकसान इसमें कहीं ना कहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, स्टेनो एग्ज़ाम तक के लिए दबा लीजिएगा, उसके बाद फिर उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सिलेक्शन ले लीजिए बच्चों, ये काम कर लीजिए खाली, आप मत करिएगा सब्सक्राइब, उसके बाद में उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यस, इसमें मेरा लाभ इतना ज़्यादा नहीं है जितना लाभ आप लोगों का है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कुछ शुरू करने वाले हैं। संडे के बाद से एक शेड्यूल बनाऊंगा संडे में, यानी कल से ही, और फिर आप लोगों के लिए बहुत एक बड़ा धमाकेदार हम लोग चीज़ शुरू करने वाले हैं। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं फिलहाल क्लोज टेस्ट की। अपने आज की क्या कह रहा है क्लोज टेस्ट में, ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। और मैं कहूँगा कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पूरा का पूरा रीड आउट कर लेंगे जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए क्लोज टेस्ट किस मुद्दे पर है और प्रेजेंट में है या पास्ट में है। कह रहे हैं कि इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम डैश। तो एडल्ट एजुकेशन जो है एक एजुकेशनल मूवमेंट है, यानी कि एक शिक्षा का आंदोलन है थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल। तो बच्चों ये थ्रू द मीडियम डैश विलेज स्कूल, यानी कि मीडियम स्कूल है ये, सॉरी एक मीडियम है, थ्रू द मीडियम स्कूल, मीडियम डैश स्कूल। तो थ्रू यानी कि किसी के द्वारा हो रहा है, माध्यम से, डैश स्कूल से। अब किसके स्कूल के द्वारा हो रहा है ये तो देखा जाएगा अभी ऑप्शन से ही। इन द बिगिनिंग द डैश वर सस्पिशियस, तो शुरुआत में जो डैश थे वो सस्पिशियस थे, मतलब संदेह में थे। इट वॉज हार्ड टू परस्यूएड डैश टू रियलाइज that they were really getting something dash the school. They were not all the sure at all sure that they wanted their dash to leave their homes. अब गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कहानी की, तो कहानी चल रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, उसकी क्रांति को लेकर के, उसके मूवमेंट को लेकर के। और दूसरी बात, कहानी जो चल रही है हमारी चल रही है लगभग लगभग पास्ट में काफ़ी हद तक, क्योंकि बात हो रही है कब ये सब चीज़ें जारी हुई थी तब की बात बताई जा रही है। तो यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है पास्ट के बारे में, तो इसलिए गाइस मैंने आपको ये थोड़ा सा सावधान किया है। तो बी अटेंटिव, अब आप लोग इसी सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर के। अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन उसने क्या रखा आपके सामने। इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम डैश, थ्रू द मीडियम डैश। बच्चों यहाँ पे वैसे तो कन्फर्म है थ्रू द मीडियम ऑफ विलेज स्कूल, तो बच्चों यहाँ पे मीडियम के साथ में आपको ऑफ आना है, बिल्कुल फिक्स प्रपोजिशन के साथ में चल रहा है काम। थ्रू द मीडियम फ्रॉम विलेज स्कूल, जी नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम बच्चों हम लोग आया करते हैं जब कोई खबर आपको किसी पिछले माध्यम के द्वारा मिल रही है तो आप फ्रॉम लगाया करते हैं। यस, कहीं से न्यूज़ आगे आपके पास आ रही है, पीछे से आगे कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। बाय के लिए भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बाय जनरली हम लोग किसी पैसिव भावना के लिए या किसी के द्वारा जब कोई न्यूज़ मिल रही हो तब लगाया करते हैं। और इन तो यहाँ पे से लाता नहीं आएगा बिकॉज इन स्टेबिलिटी के रखता बच्चों, इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि स्थिरता के भाव के लिए। जब भाव ना आपकी स्थिरता की हो तब हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, वो तो खैर यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका आएगा इन अ वे एडल्ट एजुकेशन इज एन एजुकेशनल मूवमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ विलेज स्कूल। यस, तो गांव के स्कूलों से ही आपका शुरू हुआ। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द डैश वर्स स्पीशियस, द डैश वर्स स्पीशियस। अब बच्चों देखिए, शुरुआत हुई है इसके विलेज स्कूल से, किससे हुई है बच्चों, विलेज स्कूल से। तो शुरुआत हुई है विलेज स्कूल से, तो कहानी भी नहीं से शुरू होगी। कह रहा है कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द विलेजर्स, गांव वाले, यही तो होगा ना बच्चों, वर्स स्पीशियस, थोड़े से सस्पीशियस थे वो, संदेहात्मक थे वो। यस गाइस,
तो यहाँ पे ये कन्फर्म है कि आपका विलेजर्स ही आएगा, क्योंकि ये नंबर आपको मिला है यहाँ से फ्री में। तो ये एक नंबर आपको यहाँ से फ्री मिल रहा है कि क्योंकि बात हो रही है विलेजर्स विलेज की, तो आपने विलेजर्स लगा दिया, क्योंकि ऑफिसर्स नहीं आने से रहा, चिल्ड्रन आने से नहीं रहा और पॉलिटिशियन आने से नहीं रहा। तो गैज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 का सी। अभी देखिए फ्री के नंबर थे बच्चों, पैसेज को ढंग से पढ़ने का करने चीज़ है आपका। ये कह रहा है कि इट वॉज हार्ड टू परसुएड, बच्चों परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को राजी कर रहा हूँ, देखिए मैं वोकैबुलरी की वीडियो डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, और उस पर व्यूज़ कुछ खास नहीं आ रहे, यानी कि मुझे लग रहा कि वो आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। तो मैंने रात ही मन बनाया कि इसकी जगह मैं कोई और वीडियो शुरू करता हूँ और वोकैबुलरी की सी भी करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो मतलब लोगों को राजी करना बड़ा मुश्किल काम है। इट वॉज हार्ड टू परसुएड डैश टू रियलाइज दैट दे वर रियली गेटिंग समथिंग। इट वॉज हार्ड टू परसुएड, अब बच्चों यहाँ पे नाइन्थ वाले में आपको लगाना है। तो इट वॉज हार्ड टू परसुएड दे हिम अस देम। अब ज़रा गौर कीजिए बच्चों, परसुएड यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रही है, क्या आपकी ये वर्ब। अब गाइस वर्ब के बाद मैंने आपको बताया है इन ग्रामर लेट वर्ब और प्रपोजिशन, क्या बच्चों लेट वर्ब और प्रपोजिशन के बाद अगर कहीं प्रोनाउन लगाना हो तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट प्रपोजिशन और वर्ब के बाद अगर नाउन लगा, सॉरी प्रोनाउन लगेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर दे नहीं आएगा, दे आपका इससे बाहर हुआ। अब आपका बचता है हिम अस देम, बात हो रही है गांव वालों की, बात हो रही है पास्ट की, तो बात लगाएंगे आप देम की, किसकी बात करेंगे, हिम एक विशेष लोगों के लिए बात हो जाएगी, अस भी ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे आप देम। आप कहेंगे इट वॉज हार्ड टू परसुएड देम, उनको राजी करना बहुत मुश्किल था, टू रियलाइज ये एहसास दिलाने के लिए दैट कि दे वर रियली गेटिंग समथिंग डैश द स्कूल, तो मतलब वो कुछ प्राप्त कर रहे हैं स्कूल से। यस बच्चों, तो दे वर रियली गेटिंग समथिंग डैश द स्कूल, उनको रियली स्कूल से कुछ मिल रहा है बच्चों, उनको रियली स्कूल से कुछ मिल रहा है ये कहना चाह रहा है। तो टू का मतलब होता है बच्चों, वैसे हिंदी मीनिंग की बात करूँ तो टू का मतलब होता है को, हिंदी में टू का मतलब होता है को, और हम लोग आगे जाने के अर्थ में टारगेट के लिए, गोल्स के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। शी इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर को बुलाया है, गाना आया था ना कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय को बुलाया है। सो यहाँ पे टू क्या है बच्चों, टू। लेकिन आगे देखिए आपका है अगला फोर, किसी पर्पज़ के लिए, किसी पर्पज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग फोर का इस्तेमाल क्या करते हैं, फोर नहीं आपका यहाँ पे आएगा। वैसे फोर का मतलब होता है हिंदी में लिए, और अगर एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है तो क्योंकि भी इसका मीनिंग होता है। अगला है बाय, बाय मतलब द्वारा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रॉम। कह रहे हैं कि इट वॉज हार्ड टू परसुएड दैम टू रियलाइज दैट दे वर रियली गेटिंग समथिंग फ्रॉम द स्कूल्स, दे वर नॉट एट ऑल श्योर दैट दे वॉन्टेड देयर डैश, दे वॉन्टेड देयर डैश टू लीव देयर होम्स। अब बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, दो ऑप्शन हमारे सामने हैं और दो ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट इतना ही ले पाया मैं। ऑप्शन है आपके सामने पेरेंट्स और टीचर्स, बाकी ऑप्शन हमारे पास विलेजर्स और चिल्ड्रन। जो दो ऑप्शन हमारे पास में है वह है विलेजर्स और चिल्ड्रन, ज़रा ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना मेरे साथ में। अब कह रहा है कि दे वर नॉट एट ऑल श्योर, वो श्योर नहीं थे दैट की दे वॉन्टेड देयर डैश। अब बच्चों बात हो रही है गांव वालों की, और बाद में बात हो रही है स्कूल की। अब स्कूल में किसको भेजा जाएगा, बच्चों को, किसको भेजा जाएगा, बच्चों को, तो वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन, यानी कि देखा जाए तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइस, तो मतलब इतना हार्ड ये कोई टेस्ट नहीं है। आप खुद सोचें कि ये सीजीएल में आ रहा है, प्री में जो एक ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम चल रहा है उस एग्जाम में ही आ रहा है, आपका एग्जाम 12th बेस पर है। यस गाइस, तो मतलब आप इतने मत पैनिक हुआ करें, घबराया करें कि आप क्लोट टेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। बाकी मैं आपको सभी तरह के क्लोट टेस्ट कराऊंगा, वोकैबुलरी बेस कराऊंगा, ग्रामर बेस कराऊंगा, सभी तरह के क्लोट टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 100 क्लोट टेस्ट सुने हैं बच्चों, अभी तो सिर्फ 21 ही है, बहुत सब कुछ मिलने वाला है। बस ज़रूरत है तो लगातार पढ़ने की, ज़रूरत है तो लगातार मोटिवेट होने की और मोटिवेट करने की। अब जरा फटाफट से अपना अंगूठा उठाओ और लाइक का बटन दबाओ, जल्दी जल्दी जरा देखता हूँ कितने बच्चों ने अभी मेरे कहने पर लाइक दबा दिया है। फटाफट से लाइक कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। फिलहाल चलते हैं आपसे, लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।